हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे LIC के टोटल एसेट्स के बारे में। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारतीय जीवन बीमा निगम के टोटल संपत्ति के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ MNP नॉलेज स्कूल और MNP गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। MNP गुरु का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहां से जाके आप दोनों चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, LIC की संपत्ति के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानते हैं LIC ऑफ इंडिया के बारे में। LIC इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी LIC ही है। इन्वेस्टर माने कि जितने भी आपके गवर्नमेंट ले लीजिए या प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, मैक्सिमम जो इन्वेस्ट किया है पैसा, वो किया है LIC ही ने। जो LIC के ओनर हैं वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, यानी LIC पूरी तरह से सरकारी है। तो ये रही कुछ छोटी सी बातें LIC के बारे में। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की जो टोटल संपत्ति है वो पिछले साल से बढ़कर इस साल 31.11 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। LIC ने 1956 में 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से कारोबार को शुरू किया था। अब उसकी पूरी संपत्ति यानी एसेट 31,11,847.28 करोड़ रुपीज से भी अधिक हो गई। यह 1956 में LIC ने 168 कार्यालयों से काम की शुरुआत की थी। वर्तमान समय में उसके पास 4,851 से अधिक कार्यालय हैं। LIC के पास 1,00,000 से अधिक कर्मचारी हैं, 11.79 लाख एजेंट हैं और 29.09 करोड़ से अधिक पॉलिसियां भी हैं। ईयर 2018 से 2019 में LIC ने पहले साल के प्रीमियम के आधार पर नए कारोबार में 5.68% की वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों, जो हमारे फ्रेंड्स इंग्लिश में समझते हैं, उनके लिए मैं इसे एक बार इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देती हूँ। LIC हैज इट एसेट्स ओवर रुपीज 31.11 लाख करोड़, स्टार्टिंग विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ रुपीज 5 करोड़ इन 1956, LIC हैज एसेट्स ऑफ ओवर रुपीज 31,11,847.28 करोड़। LIC हैड स्टार्टेड विद 168 ऑफिसेस इन 1956। टुडे इट हैज ओवर 4,851 ऑफिसेस। द इंश्योरर हैज ओवर 1,00,000 एम्प्लॉयज, 11.79 लाख एजेंट्स, 29.09 करोड़ प्लस पॉलिसीज। दोस्तों, आइए देखते हैं LIC ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। मतलब LIC हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम 5-ईयर प्लान में LIC का कंट्रीब्यूशन देखें तो 1956 से हर बार वो बढ़ता ही गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 1956 से 1961 के बीच में LIC ने 184 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया था, जो वर्तमान समय में 2017 से 2022 के बीच में 7,01,483 करोड़ पहुंचने वाला है, या कहें तो पहुंच चुका है। अब जान लेते हैं कुछ LIC के प्रोफाइल के बारे में। ये प्रोफाइल जो है 31 मार्च 2019 तक का ये प्रोफाइल है,
जो LIC का टोटल एसेट है वो 31 लाख करोड़ से ऊपर है। टोटल लाइफ फंड्स की बात करें तो ये 21 लाख करोड़ से ऊपर है। टोटल प्रीमियम इनकम वो 3.37 लाख करोड़ से ऊपर है। टोटल इनकम 5.60 लाख करोड़ से ऊपर है। LIC ने सिर्फ अपने पॉलिसी होल्डर्स को 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट दिया है और 2,60,00,000 क्लेम्स भी सेटल किए हैं। अगर हम बात करें कि LIC की इंडिविजुअल और ग्रुप पॉलिसीज़ को अगर हम मिला दें तो LIC की 40 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसीज़ चल रही हैं। बाकी डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कितना LIC ने अपना अमाउंट क्लेम पे किया है, कितना परसेंटेज ऑफ मैच्योरिटी है, कितना परसेंटेज ऑफ डेथ क्लेम पेड किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर, सोशल सेक्टर में, ओके, कितनी ग्रुप पॉलिसीज़ हैं जो कि लाइव हैं, ओके, तो ये सारी डिटेल इनके प्रोफाइल आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप इस चार्ट को पढ़कर पूरी तरीके से LIC के बारे में, उनकी टोटल संपत्ति के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप